रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं शिखरौ श्रुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवत्पश्यष्टारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। शिवाशुभानि देवे दायित्य कृपाभद्रे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरी जल पेमाडय श्रीरूपानुभक्तिध श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते। नमोस्तुते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीन तारिणे रूपानुग्रह सिद्धांत ध्वंतारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते पीप्रलम्ब सांभोजे पादुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिन नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्रहाय ते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमसि जगन्नाथ ते नमः। वाञ्छाकुलतुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बधाय ते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिवसे नमः। हे कृष्ण करिणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृक्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हिनाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुदृढ़ायां श्री जगन्नाथ ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानो लंबित भुजो कनक अवतातो संकीर्तने पितरो कमले ताक्ष विश्वंभरो दिजवरो युग धर्म पालो। वंदे जगत प्रिय करो कर्ण अवतारो वंदे जगत प्रिय करो कर्ण करो अवतारो। आराधे भगवान व्रजिष्ठने तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवद वर्गेण कल्पिता। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदम इदम तदादरणापरः। हरे कृष्णा। कृपया सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे को बड़ी अजीब सा लगता है वैसे क्लास देने में अकेले, ऐसे सभी काफी लोग हैं पर वीडियो सबने बंद कर रखे हैं। आप सभी का आज स्वागत है जो उदयपुर इस्कॉन की तरफ से जो भगवत चर्चा होती है उसके अंदर। हम अभी स्कंद 2 अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं और मुझे आज श्लोक दिया गया श्लोक नंबर 32, तो हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैं श्लोक बोलता हूँ फिर अपन रिपीट करेंगे। ओके। यता एते असंगता। प्रभु जी मैं आप साथ में बोलेंगे मेरे, मैं पूरा एक बार पूरा रिपीट कर दूं पहले एक बार। हरि बोल प्रभु जी। यता एते असंगता भावा भूत इंद्रिया मना गुना यदा आयत निर्माणे नाशेको भ्रम विततमः। प्रभु जी आप अनम्यूट करेंगे किसी को? मैं होस्ट तो हूं नहीं। हरि बोल। आप होस्ट है प्रभु जी? को होस्ट है। ओके। आप अनम्यूट कर सकते हैं तो अच्छा होगा। ओके प्रभु जी। ओके थैंक यू। यता एते असंगता भावा भूत इंद्रिया गुना मनाह यदा आयत निर्माणे नाशेको भ्रमावित तमः। यदा एते संगत भाव भूतेन्द्रिया मनो गुणा भूतेन्द्रिया मनो गुणा
यदायतना निर्माणे यदा आयतन निर्माणे नाशे कुर ब्रह्म वित्तमा नाशे को ब्रह्म वित्तमा माता जी स्कंद पांच मतलब कैंटो फाइव कैंटो टू चैप्टर फाइव और श्लोक 32 लेना माता जी आप पूछ रहे हैं ना बलराम कृपा प्रभु जी आप बोलेंगे श्लोक प्लीज बलराम कृपा प्रभु जी मैंने आपको म्यूट किया आप बोलेंगे क्या जी स्क्रीन पर नहीं दिखा दे श्लोक अच्छा तो आपके पास है क्या आजकल नहीं है आपके पास एक मिनट ना देखिए दिए चे आ गया प्रभु जी स्क्रीन पे आप देख लीजिए ठीक है दिए चे जाते संगता भावा यदायते असंगता भावा भूतेन्द्रिया मनो गुणा भूतेन्द्रिया मनो गुणा यदायतन निर्माणे यदायतन निर्माणे नाशे कुर ब्रह्म वित्तमा नाशे कुर ब्रह्म वित्तमा माता जी इसमें बोलेंगे लीना माता जी आप बोलेंगे अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे माता जी हरे कृष्ण सर यद एते संगता भाव यायते असंगता भाव भूत इंद्रिय मनोगुणा भूत इंद्रिय मनोगुणा यद यतन निर्माणे यद आयतन निर्माणे नाशे कुर ब्रह्म वित्तमा नाशे कुर ब्रह्म वित्तमा और कौन बोलना चाहेगा रेजेंट करेंगे कोई बोलना चाहेगा तो मैं अनम्यूट करूं ब्रदर प्रभु जी आप इसमें मेरे को क्यों नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन नहीं है प्रभु जी स्क्रीन हरि बोल प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर देंगे प्लीज शेयर सभी के साथ होना चाहिए ना स्क्रीन तो वो बंद हो रहा है बार बार चलो ठीक है प्रभु जी कंटिन्यू करो कोई बात नहीं आज प्रभु जी तो ट्रैवल कर रहे हैं इससे थोड़ा तकलीफ हो रहा है सॉरी मैं वहां पे जाऊंगा ठीक है हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं अनुवाद तात्पर्य शील भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा है अनुवाद है ये अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद जब तक ये सृजन अंग तथा तत्व इंद्रिया मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता तात्पर्य जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ के निर्मित किया जाता है जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है इसकी पुष्टि भगवत गीता 18.61 में भी हुई है जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्गदर्शन में रहकर चलती है लेकिन यह जीव शरीर नहीं है ये तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़
जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रिया मन तथा गुण के रूप में होती है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप कराने के लिए खिलौना थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्व सर्व मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूर्ख बाल्य तुल्य भौतिकवादी दासी रूप भौतिक प्रकृति अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सियाने पुत्र भलीभांति जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान उसी तरह नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने स्वामी के अधीन रहती हैं। शरीर के अंग या इंद्रिया मैत्र तत्व द्वारा निर्मित हैं, और जब भगवान की इच्छा से अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है, और जीव को इस अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगायतेम गिरि यत कृपा तहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम यत कृपा तहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। हरे कृष्णा। ये श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा जो चल रही है, समस्त कारणों के कारण ये अध्याय है, पांचवा अध्याय है। इसमें नारद जी ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके आंसर दे रहे हैं। तो ये प्रकृति का उत्पत्ति कैसे होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जब पहले चर्चा की जाती है तो पहले बताया जाता है कि सबसे पहले महत्व तत्व प्रकट होता है, उससे फिर मिथ्याहंकार प्रकट होता है, और मिथ्याहंकार फिर तीनों गुणों से प्रभावित होकर अलग अलग क्रियाएं करता है। जैसे तमोगुणी मिथ्याहंकार से पांच तन्मात्राएं मतलब पांच इंद्रिय विषय प्रकट होते हैं। पांच इंद्रिय विषय क्या है? हमारे सबसे पहले ध्वनि प्रकट होती है, तो ध्वनि से फिर आकाश प्रकट होता है। फिर दूसरा जो इंद्रिय विषय है वह स्पर्श, तो स्पर्श से फिर जो वायु प्रकट होती है। फिर तीसरा जो इंद्रिय विषय है वह है रूप, उससे प्रकट होता है अग्नि प्रकट होती है। फिर चौथा इंद्रिय विषय है स्वाद, स्वाद से पानी प्रकट होता है। और फिर उसके बाद जो पांचवा इंद्रिय विषय है वह गंध, और गंध से पृथ्वी प्रकट होती है। तो ये पांच इंद्रिय विषय और पांच भौतिक तत्व ये रजोगुणी मिथ्याहंकार से प्रकट होते हैं, और तमोगुणी मिथ्याहंकार से प्रकट होते हैं। और रजोगुणी मिथ्याहंकार से मन और पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञानेन्द्रिया प्रकट होती है, और सतोगुणी मिथ्याहंकार से हमारी बुद्धि और 10 जो देवता हैं इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे 24 तत्व है, जैसे 23 तत्व है, जैसे सबसे पहले पांच इंद्रिय विषय, पांच भौतिक तत्व, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, ये मिला के हो गए 20। फिर हुआ मन बुद्धि अहंकार, ये 23। ये तत्व सब प्रकट हो चुके हैं, पर जब तक भगवान इनको क्रियाशील नहीं करते हैं तब तक शरीर धारण नहीं होता है। तत्व जैसे एक कारीगर बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट लिया, सीमेंट लिया, पत्थर लिया, पानी ले आया, सब लेके आ गया, ये सब हो गए प्रकट, पर भगवान उसको क्रियान्वयन करते हैं तब शरीर प्रकट होते हैं। जैसे हमारे लिए 84 लाख शरीर है, 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में से इन सब इन तत्वों से मिलके हर एक एक शरीर प्रकट होता है। जैसे 11 लाख तरह के कीड़े होते हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं, ये सारे ही इन तत्वों को मिला के भगवान प्रकट करते हैं। जैसे भगवान ने भगवद्गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वंत अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि इन्त आडोरानी मायाया। क्या कहते हैं भगवान कि ईश्वर हर जीव के हृदय में रहते हैं, जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो हृदय का अंग है वहां पे भगवान विराजमान है शिरोदेशय विष्णु के रूप में, और हमें ये अलग अलग यंत्र माया द्वारा जिए जाते हैं यात्रा करने के लिए।
सर एक एक यंत्र में हमें विराजमान कर दिया जाता है और हमें इच्छा अनुसार हमें शरीर मिलता है और हम उसमें यात्रा करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि एक तो आत्मा और एक परमात्मा दोनों ही एक शरीर में रहते हैं। जैसे एक पक्षी एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा है और एक एक तो पक्षी देख रहा है और दूसरा पक्षी फ्रूट फल को खा रहा है। तो भगवान साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं और हमारे हर कार्यों के लिए वे साक्षी के हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी इच्छा करते हैं चाहे अच्छी है बुरी, भगवान उसके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं कि ये इसने इच्छा करी है और इसको मैं पूरी कर रहा हूँ। हमें क्या फ्रीडम दी जाती है, हमारे पास केवल इच्छा शक्ति की फ्रीडम है। हम एक इच्छा कर सकते हैं कि हमें क्या कार्य करना है। जैसे हमें किसी का मर्डर करना है तो भगवान क्या करेंगे कि जिसको मरना है, जिसने पूर्व जन्म में कोई कार्य किया है और उसको मरना ही है, तो भगवान उसको उस मर्डर करने वाले जिसकी इच्छा मर्डर करने की हो रही है उससे मिला देंगे और तो वो उसका मर्डर कर सकता है। और जो दूसरा बंदा जिसका मर्डर होना ही था क्योंकि उसने पिछले जन्म में से कार्य किया है तो वो उसका मर्डर हो जाता है। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं। भगवान को इसके पाप कर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपने इच्छा प्रकट की है और भगवान आपकी उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं। स्वतंत्रता आपको दी जा रही है हर इच्छा को पूरी करने की, चाहे आप अच्छी इच्छा करें या बुरी इच्छा करें, भगवान आपको स्वतंत्रता देते हैं और उसको पूरी करने के लिए भगवान कार्यान्वित करते हैं। ये इस श्लोक में इसी के ऊपर चर्चा की गई है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसी के ऊपर जोर दिया है। जैसे हम एक गाड़ी को चलते हुए देखते हैं, कार चल रही है, कार को चलते हुए देखते हैं, तो अगर कार चल रही है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई ड्राइवर जरूर होगा तभी कार चल पा रही है। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसीलिए जैसे हमारे को ये यंत्र दिया है, शरीर दिया है मनुष्य का, तो हमारे अंदर ये कार इसलिए चल, ये हमारा शरीर रूपी जो कार है ये इसलिए चल पा रही है कि आत्मा के रूप में हम अंदर विराजमान है। जिस क्षण ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी या इस कार से निकल जाएगी वो कार नहीं चल सकती, अब शरीर खत्म हो जाता है, उसको फिर जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो यही इसमें बताया गया प्रभुपाद जी द्वारा कि जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। भगवान ने क्या किया, दुर्गा देवी को अधिष्ठात बता दिया, अधीक्षक बना दिया इस भौतिक जगत का। जो ये भौतिक ब्रह्मांड है, जो ये भगवान के पूरे लोक का 1/3 है। जैसे भगवान का जैसे लोक है वो 2/3 और भी है बाहर की तरफ, जो वैकुंठ है और जो भगवान का दिव्य लोक है वो सब 2/3 अलग है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, आप उदयपुर में रह रहे हो तो उदयपुर में एक सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल उदयपुर का एक पार्ट है। तो उदयपुर एक बहुत छोटी सी, सेंट्रल जेल एक बहुत छोटी सी जगह है पूरे उदयपुर के लिए, और उसके कंपैरिजन में उदयपुर बहुत बड़ा है। तो इसी तरीके से ये जो भौतिक जगत है हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने प्रदान किया है। जैसे एक बच्चा खिलौना मांगता है तो उसकी माँ या पिता उसको खिलौना प्रदान कर देती खेलने के लिए, तो वही भगवान ने हमें, हमारी इच्छा हुई भोग करने की, भगवान को भोक्तारा में तप से हम लोग सर्वलोक महेश्वरम कहा जाता है, भगवान ही सर्व चीजों के भोक्ता हैं। तो अगर जब हमारी इच्छा होती है स्वतंत्र होने की, भोग करने की, तो भगवान हमारे लिए ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं कि जहाँ हम जाके हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकें। पर फिर भगवान कितने दयालु हैं, भगवान फिर खुद अवतरित होते हैं, खुद लीला करते हैं, हमें बताते हैं कि हम जो भूले भटके जीव हैं, भगवान से दूर हुए हुए हैं, वे हमें बताते हैं कि तुम क्या चीज मिस कर रहे हो। वे हमें लीलाएं करके बताते हैं, अपने पूरे पार्षदों के साथ में आते हैं, फिर पांच रस, शांत रस, दास से सास से साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये रसों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपने पार्षदों के साथ में कि जो मेरा गोलोक वृंदावन है या जो मेरा वैकुंठ है वहाँ कैसी मेरी लीलाएं चल रही है, कैसा आनंद लोग भोग रहे हैं, और तुम यहाँ जो आध्यात्मिक आधे दैविक आधे भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन कष्टों में जुड़े हुए हो, कितना कष्ट पा रहे हो। तो हमें ये भगवान देते हैं जगत में आके कि हम इन सब से समझ सकें कि हमें इन सब से निकलना है और भगवान के लोक में वापस जाके भगवान की सेवा करनी है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम अपने आप को भोक्ता मानते रहेंगे तो हम कष्ट उठाते रहेंगे। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, हम कितना भी पैसा कमा लें, आज मुकेश अंबानी भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं,
उसके पास भी वो नंबर वन बनने की चेष्टा होगी, वो नंबर फाइव पे फोर पे होगा तो मैं नंबर वन कैसे बनूं, वो उसके लिए प्रयत्न होगा। फिर इतने सारे एम्प्लॉयज उसके अंदर में काम कर रहे हैं तो उसकी टेंशन होगी, पर भगवान को किसी की टेंशन नहीं है। भगवान पूरी ब्रह्मांड का मैनेजमेंट कर रहे हैं और सोते रहते हैं। एक बार एक फॉरेन के भक्त आए थे इंडिया में, तो वो ढूंढे थे कि भगवान कौन है, तो अलग अलग जगहों पर वे गए। तो एक बार उन्होंने शिव जी को देखा तो शिव जी माला जप कर रहे हैं हाथ में लेके, और दुर्गा मैया को देखा तो हथियार लेके खड़ी है, सब हाथों में तलवार त्रिशूल सब लेके खड़ी है। और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण में नजर डाली तो भगवान कृष्ण राधिका को लेके और बांसुरी वादन कर रहे थे। तो वे कहते हैं यही भगवान हो सकता है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है। भगवान कार्य अगर कार्य कर रहा है तो वो भगवान नहीं है ना, कोई ना कोई उसको कार्य करना पड़ा, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, और भगवान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, भगवान बिल्कुल फ्री है। पूरी दुनिया का इस ब्रह्मांड का मैनेजमेंट हो रहा है, कितने सुंदर से आप देखिए। कहा जाता है कि सूर्य अगर 2-3 किलोमीटर भी पृथ्वी के पास होता तो पृथ्वी पे अग्नि इतनी हो जाती कि पृथ्वी जीवन नहीं हो सकता था। तो हर चीज पूरे साइकिल चल रही है, सूर्य उग रहा है, सूर्य प्रदेश उग रहा है, शाम को चंद्र आ रहा है, सब दिन में गर्मी हो रही है, चार ये अलग अलग ऋतुएं आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, हर साइकिल उसी टाइम से चल रही है, कोई चेंज नहीं होती है। तो भगवान की सृष्टि कितनी कितनी सुंदर बनाए रखी भगवान ने, मैनेजमेंट कितना प्रॉपर है भगवान का। एक बार एक व्यक्ति था, आपने कथा आपने सुनी होगी कि वो कद्दू के खेत में से जा रहा था, तो उसको पैर कद्दू के खेत में लग रहे थे, तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि भगवान ने इतने बड़े बड़े कद्दू जमीन पे क्यों दिए। तो फिर वो क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। तो जब वो सो रहा होता है तो ऊपर से शायद आम का पेड़ होता है, तो आम उसके सर पे आके लगता है। तो वो उठता है, सोचता है अगर इसकी जगह कद्दू होता और मेरे सर पे ये गिर गया होता तो मेरा तो राम राम सत्य हो गया होता। तो देखिए भगवान का अरेंजमेंट कितना अच्छा है। हर हम भगवान की कोई भी चीज में दोष नहीं निकाल सकते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ये क्यों किया, भगवान ने ये क्यों किया, पर भगवान की थिंकिंग बहुत ही अलग होती है। हमारी थिंकिंग क्या होती है कि जैसे राधना स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि हमारा जीवन एक लाइन है, बड़ी पूरा जो हमारा 84 लाख यूनियन में जो हमारा सकल चलता है वो एक लंबी लाइन है, और हमारा अभी का जो जीवन है, जो प्रेजेंट जीवन है, खाली डॉट है। तो हम उस डॉट को देखते हैं और भगवान उस लाइन को देखते हैं कि मेरे को इस जीव को इस जो भौतिक जगत से बाहर कैसे लाना है। जैसे आप मेरा बच्चा है, आपके घर में बच्चे होंगे, आईपैड से खेलते हैं, तो उनको उस बच्चे को उस समय यह पता नहीं है कि उस आईपैड से उसको क्या नुकसान हो रहा है, वो उससे खेल रहा है, पर मुझे पता है कि उस आईपैड उसके लिए कितना नुकसानदायक है। तो अगर जैसे मैं उसे आईपैड ले लूंगा तो वो रोने कूकने लग जाएगा, वो चिल्लाएगा करेगा। तो ऐसे भगवान की अरेंजमेंट होता है कि अगर उनको लगता है कि किसी चीज से हमारी भौतिक जीवन में प्रगति रुक रही है तो भगवान उस चीज को हमसे छीन लेते हैं, और वो भगवान अरेंजमेंट देखते हैं कि हमारे आगे के जीवन के लिए हमारे के लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए हमें भगवान की जो सृष्टि है उसको समझना चाहिए कि हमारी संरचना या हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है भगवान किस लिए हो रहा है, क्या क्या वजह से भगवान ऐसा कर रहे हैं। भगवान की सृष्टि में दोष नहीं देखने के बजाय हमें उसका अच्छा देखना चाहिए कि मेरे लिए इसमें भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, कि मेरे जीवन में आज कष्ट भी आ रहा है या सुख भी आ रहा है तो भगवान की कोई प्लानिंग का कोई इच्छा है। जैसे हमें बुद्धि दी भगवान ने, हमें सुंदरता दी भगवान ने, हमें परिवार दिया भगवान ने, हमें संपत्ति दी भगवान ने, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे भोग के लिए नहीं दी गई है, हमें उसको भगवान के सुख के लिए कैसे उसका यूज कर सके उसका चिंतन करना है, वो चिंतन करना है। तो ये थोड़ा सा मैं 6 तरह के दर्शन होते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। जो इसमें से 5 जो दर्शन है वो भगवान की महत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं भगवान तो है पर भगवान सबसे सर्वोपरि नहीं है। और फिर 6ठा दर्शन आज वेदव्यास जी द्वारा दिया गया है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला दर्शन है वैश्विक दर्शन, जो कनाद ऋषि द्वारा दिया गया है। उसमें मायावाद के ऊपर बताया गया है कि जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। मायावादी क्या कहते हैं कि हर चीज माया है, हर चीज माया और खाली ब्रह्म ही सत्य है। वे खाली ब्रह्म के तेज में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर लीन होना चाहते हैं मायावादी। न्याय एक दूसरा दर्शन, न्याय दर्शन गौतम ऋषि द्वारा दिया गया है। उसमें कहा जाता है
कि परमाणु से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, जैसे आज के साइंटिस्ट कहते हैं ना एटम से ही सब कुछ आता है, तो वे कहते हैं कि परमाणु से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, भगवान को नहीं मानते वे भी। और तीसरा आता है योग दर्शन, योग दर्शन आता है पतंजलि का, वे कहते हैं कि जब तक स्वरूप सिद्ध ना हो तब तक ज्ञानी ना बना जाए भगवान को समझा नहीं जा सकता। और तीसरा आता है कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा में क्या कहा जाता है जो जैमिनी ऋषि द्वारा दिया गया है कि भगवान भी कर्म के अधीन है, सब कुछ कर्म के अधीन है, अगर हम कर्म करेंगे तो देवताओं को और भगवान को भी हमें फल देना पड़ेगा। अब आपको ये थोड़ा सा ज्ञात आ रहा है ये कहाँ पे कहा है, भगवान कृष्ण ने भी ये कर्म मीमांसा का प्रवचन किया था, कब किया था, गोवर्धन लीला के समय, जब वे नंद महाराज से मिलते, नंद महाराज पूजा कर रहे होते हैं, इंद्र की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कृष्ण उनको कर्म मीमांसा कहते हैं। अब आप कहेंगे कृष्ण ने कर्म मीमांसा क्यों कहा, कृष्ण भगवान ने कर्म मीमांसा इसलिए कहा कि ताकि उनका ध्यान बढ़ा सके नंद महाराज का और थोड़ा समझा सके उनको, अगर भगवान के बारे में बोलते कि मैं कृष्ण हूँ गोवर्धन की पूजा करो तो शायद वे नहीं मानते, तो इसलिए उन्होंने कर्म मीमांसा पे प्रवचन किया उस समय नंद महाराज के सामने कृष्ण भगवान ने कि भगवान कर्म के अधीन है और हमें कर्म करेंगे तो ईश्वर को फल देना पड़ेगा, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें भगवान को फल देना ही पड़ेगा, हम ईश्वर को पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। पांचवा आता है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन जो नास्तिक कपिल द्वारा दिया गया है, नास्तिक कपिल ने क्या कहा कि भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है, भौतिक जगत भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होता है और भगवान भी भौतिक प्रकृति के अधीन है, ये उन्होंने सांख्य में कहा है कपिल मुनि ने। और सबसे जो अहम आता है छठा आता है वो है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र जो वेद व्यास जी द्वारा कहा गया है, वेद व्यास जी ने उसमें भगवान की महत्ता को प्रकट किया है कि भगवान ही सब कुछ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणाम। इसका जो वेदांत सूत्र का जो प्रथम श्लोक है वो हमारे जो श्रीमद भागवतम का प्रथम श्लोक है वो ही इसका वेदांत सूत्र का प्रथम श्लोक है, जैसे हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये श्लोक आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार पढ़ा है, पर इसकी इम्पोर्टेंस जब आप इसको वापस पढ़ोगे तब आपको पता लगेगी। जैसे कल एक कोट आया था जयप्रदा का स्वामी महाराज का कि वे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार भागवत पढ़ ली है, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार गीता पढ़ ली है, पर मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ मुझे नवीनता ही लगती है। हमारे अंदर भी ये लॉलियम होना चाहिए भागवत श्रवण का, नित्यम भागवत सेवा का और पढ़ने का करने का। प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ हमें इसलिए दिया है और इस्कॉन उदयपुर द्वारा बहुत आपको दिया जा रहा है कि आप पढ़ पा रहे हैं इसके अंदर। तो ये श्लोक मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप ये फर्स्ट श्लोक है भागवतम का, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक, आप सब इसको पढ़िएगा और इसमें तात्पर्य पढ़ता हूँ इसका मैं जो प्रभुपाद जी ने दिया है। हे प्रभु हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। देखिए यहाँ पे अभी तक हमने पांच दर्शन किए, वे भगवान का नाम ही नहीं ले रहे थे और यहाँ पे भगवान का नाम भी ले रहे हैं और कौन बोल रहे हैं कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है ये, श्री कृष्ण भगवान है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस तरह अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण से सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अंत में उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ तो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। इसमें कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ये है वेदांत सूत्र का पहला श्लोक। तो व्यास देव जी ने भगवान कृष्ण की जैसे पहले देख एक एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदो वंते च मध्य च हरि सर्वत गीयते। क्या कह रहे हैं, वेद में रामायण में पुराणों में क्या क्या कहा गया, आदो वंते च अंते च,
कि आदि जो स्टार्टिंग में मध्य में और अंत में हरि सर्वे तक गिए थे, तो पहला श्लोक में उन्होंने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लास्ट श्लोक क्या है भागवतम का 18,000 श्लोक क्या है, नाम संकीर्तन सर्व पाप नाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। ठीक है, स्टार्ट भी उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय से किया और नमामि हरिम परम से उन्होंने श्रीमद भागवतम का एंड किया। तो ये कहा जा रहा है कि हर, जैसे हम वेद में देखेंगे, चारों वेद है, या पुराण देखेंगे, या महाभारत देखेंगे, या रामायण देखेंगे, आदो वंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, कि हरि का ही सर्वत्र गुणगान होता है। भगवान ने गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते मा बुद्धवा भाव समन्विता, के मेरे से ही सब कुछ आता है, मुझसे ही सब कुछ आता है। जैसे एक आपको मैं चर्चा करूंगा कि आपने बाइबल और कुरान के बारे में सुना है, बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है, क्या कहा बाइबल में, कि मैं आई एम सन ऑफ गॉड, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। मोहम्मद साहब ने जब कुरान में क्या कहा कि मैं भगवान का पैगंबर हूं, मैं भगवान का संदेशवाहक हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। पर गीता में खाली एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने सब कुछ किया है। तो यहाँ पे क्या भगवान का घमंड प्रकट होता है? लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपके भगवान कितने घमंडी हैं कि वे तो अपने आप को भगवान बता रहे हैं। अरे जैसे अगर किसी मनुष्य को कोई एक कंपनी में जाता है कोई आदमी, और उसके मालिक से उसको मिलना है, तो पहले तो जैसे पहले पियोन के पास गया कि मुझे मालिक से मिलना, आप भगवान हो गया, तो वो क्या कहेगा पियोन, नहीं मैं भगवान, मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक आगे है। फिर सेक्रेटरी से मिलेगा, उससे मुझे मालिक से मिलना है, आप मालिक हो गया, तो वो क्या कहेगा, नहीं मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक आगे है। इसी तरीके से वो एमडी के ऑफिस में जब पहुंचेगा तो एमडी को पूछेगा आप भगवान हो क्या, तो एमडी उस समय क्या कहेगा, तनादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तने सदा हरि, ये कहेगा क्या, एमडी कहेगा नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, दासन उदास हूँ। नहीं, एमडी ये कहेगा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि भगवान मालिक कौन है, तो एमडी कहेगा मैं ही मालिक हूँ, इस कंपनी मैं ही चला रहा हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तो वैसे ही भगवान इसलिए गीता में कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, इसमें वो घमंड प्रकट नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया भटकी हुई है, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि मैं भगवान हूँ। कहीं भी ग्रंथ आप लिख लीजिए, जो भी शास्त्र है, इतने शास्त्र है, कोई भी जो किसी दूसरे धर्म के भी हों, कहीं भी ये नहीं कहा गया मैं भगवान हूँ। केवल गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो इसलिए भगवान का घमंड या प्रकट नहीं होता है। फिर भगवान ने कहा है, मय अध्यक्षिण प्रकृति सुयते सराचरम हेतुनो अन्यन कौनते जगत विपरिवर्तते, मय अध्यक्षिण प्रकृति, मैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर सारे प्राणियों को प्रकट कर रही है और वे कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने प्रकृति को जो प्रकट किया है, हमारे भोग के लिए प्रकट नहीं किया है, वे उन्होंने प्रकट किया है प्रकृति को, कि इन बद्ध जीवों को हमें कुछ न कुछ कष्ट दे के भगवान से वापस जोड़ सके। जैसे खिलौना हमें दे दिया गया है थोड़ी देर खेलने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम खिलौने से खेलते रहें। जब माँ देखेगी कि बच्चा बहुत देर से उस खिलौने से खेल लिया है, तो उसको अपनी तरह ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश वापिस करेगी। तो उसी तरीके से भगवान ने प्रकृति को हमारे पीछे लगा रखा है उन तीन त्रिशूल के साथ में, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक के द्वारा, कि हम ये कष्ट देखें और भगवान से प्रार्थना करें और वापिस भगवान के पास जाने की कोशिश करें। अगर हमें यहाँ पे स्वतंत्रता से रहने के लिए दे दिया जाएगा तो होगा क्या, हम पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, हम कुछ ना कुछ गलत कार्य करते रहेंगे, एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ साधन ढूंढते रहेंगे और इस साइकिल में ही लगे हुए रहेंगे और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए आप समझिए, भगवान ने हमारे कोई, आप ही सोचते होंगे कि हमें एंजॉयमेंट के लिए दे दिया तो हम एंजॉय करें ना, यहाँ पे क्यों हमें कष्ट दिए जा रहे हैं, हम एंजॉय कहाँ कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हो आप एंजॉय, क्योंकि आपको फ्री छोड़ दिया गया तो आप एंजॉय करते जाओगे और फिर कोई ना कोई जीवन आपको मिलता जाएगा और साइकिल चलती रहेगी, अंत ही नहीं होगा इस साइकिल का। और भगवान ये दुख के बहुत दुखी होते हैं, तो वे चाहते हैं कि हम इस साइकिल से बाहर निकलें और उनके धाम में आके उनकी सेवा में लग सके। एक जैसे स्टेप्स जो है, भक्ति की स्टेप्स हमें बताई जाती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे श्रद्धा, सबसे पहले बताया श्रद्धा, साधु संग, भजन प्रक्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, 9 स्टेप से भक्ति की है। श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा जो पहली श्रद्धा है वो कच्ची श्रद्धा होती है, और निष्ठा पे आके हमारी फर्म फेथ बोला जाता है, हमारी श्रद्धा पूरी हो चुकी है,
हम लोग अभी ज्यादातर हमारा जीवन जो होता है अनर्थ निवृत्ति में ही खत्म हो जाता है, जो छोटी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, उसी में हम लगे रहते हैं। श्रद्धा, साधु जन, भजन प्रक्रिया, अनर्थ निवृत्ति में तो पोस्ट में भी हमारे कई जीवन काल लग जाते हैं, और अनर्थ निवृत्ति में हम पहुंच जाते हैं। जैसे हमें प्रभुपाद जी की कृपा हुई है कि हम साधु संग कर पा रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं, और अनर्थ निवृत्ति का हमें मौका दिया जा रहा है कि हम अनर्थ निवृत्ति कर सके हमारी। तो अनर्थ निवृत्ति हम करके फिर निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर भाव स्तर आता है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने कुछ दिनों पहले चर्चा करी थी भाव भक्ति के लक्षणों के बारे में, तो इसलिए मैंने श्रद्धा को उठाया कि मैं आपसे जो मेरे गुरु से सुना मैं कुछ आपको बता सकूं कि भाव भक्ति के ऊपर क्या लक्षण है, जो भाव भक्ति का भक्त होता है उसके क्या लक्षण है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने इसकी चर्चा करी है भक्ति रमस रसामृत सिंधु के अंदर, इसके ऊपर चर्चा करी, तो मैं 9 पॉइंट्स है तो मैं उसकी चर्चा थोड़ी सी करूंगा इसके ऊपर। सबसे पहला जो पॉइंट बताया उसके अंदर है अव्यर्थ कालत्वम। भाव भक्ति का पहले लक्षण क्या, अव्यर्थ कालत्वम, के जो समय है, समय का दुरुपयोग भक्त, जो भाव भक्ति का भक्त होता है वो कभी भी नहीं करता है। वो 2400 घंटे का 25 घंटे भी उसको मिल जाए तो भगवान का चिंतन करेगा कि मैं भगवान की सेवा किस तरीके से करूं, कैसे कैसे करूं कि मैं भगवान के, भगवान मुझसे प्रसन्न हो चुके हैं, मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो चुके हैं। जैसे अभी गीता मैराथन का टाइम चल रहा है तो हमारा सबका चिंतन क्या होना चाहिए कि कैसे मैं गीता का वितरण करूं, कैसे दूसरे लोगों के पास मैं गीता पहुंचाऊं, कैसे ये जो भगवान का सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं इसको इंग्लिश में, गीता को सॉन्ग ऑफ गॉड, जो भगवान का सॉन्ग ऑफ गॉड है, तो ये मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, इसका चिंतन करना चाहिए। अव्यर्थ काल तो हम एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना। जैसे गोपियां होती थी, वे जब भगवान दूर जाते थे तो उन्होंने भगवान की लीलाओं के ऊपर गीत लिख रखे थे, वे उन गीतों को गाती थी और चिंतन करती थी, भगवान का खाना बना रही है, भगवान के लिए भोग बना रही है, तभी वे चिंतन करती थी कि मैं भगवान के लिए क्या भोग बनाऊं, भगवान के लिए क्या पकाऊं। ऐसी माताएं प्रसाद बनाते हैं तो चिंतन कर सकते हैं, सदैव चिंतन। ऐसे हम कार्य कर रहे हैं, हम अपने दिनचर्या में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, पर कीर्तन है सदा हरि, मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा चिंतन रहना चाहिए। कृष्ण को कैसे, एक कोई भी कार्य हम करें उससे पहले हमें जरूर सोचना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये कृष्ण मुझसे प्रसन्न होंगे क्या, गुरु मुझसे प्रसन्न होंगे क्या, तब उस कार्य को हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला हुआ अव्यर्थ काल दुआ। दूसरा आता है शांति। ये शांति शलजम वाली शांति नहीं है, क्षमा, क्षमा जिसमें श आता है ना, वो वाली शांति है। इस शब्द में शांति उसको कहते हैं। तो इस शांति का क्या अर्थ है कि गंभीर और वो सहनशील, शांति का गंभीर और सहनशील। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, इसका पूरा बहुत बड़ा एग्जांपल है, गंभीर व्यक्तित्व तो थे वे बाहर से प्रकट नहीं करते थे कि मैं उनकी गंभीरता क्या है, पर अंदर से उनके अंदर हमेशा चिंतन चलता रहता था कि भगवान के लिए मुझे क्या करना, कैसे करना। बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व थे प्रभुपाद जी। और सहनशील, सहनशीलता तो प्रभुपाद जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई पड़ी थी। एक मैं आपको बहुत सुंदर इंसिडेंस सुनाता हूँ प्रभुपाद जी का, सहनशीलता का। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी फ्लाइट से उतर रहे थे, तो फ्लाइट से जब उतर रहे थे तो जब फ्लाइट की स्टेयरकेस, पहले स्टेयरकेस होता था ना, अभी भी होता है कई बार अभी, तो उसमें स्टेयरकेस में पहले फर्स्ट स्टेप पे खड़े थे तो किसी ने प्रभुपाद जी को पीछे से धक्का दे दिया। जब प्रभुपाद जी को धक्का दे दिया तो प्रभुपाद जी जो फ्लाइट की सारी स्टेयर्स थी उससे लुढ़कते लुढ़कते पूरे नीचे आके गिरे। पर जैसे ही नीचे गिरे, वो जैसे जो प्रभुपाद जी को लेने के लिए शिष्य एयरपोर्ट पे आए हुए थे तो वे सब देख रहे थे कि प्रभुपाद जी का इसमें रिएक्शन क्या होगा, इतनी बड़ी बात हो गई, प्रभुपाद जी जरूर कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ डांटेंगे उसको, कुछ तो करेंगे जिसने ऐसा कहा। प्रभुपाद जी के हाथ में हमेशा स्टिक भी हुआ करती थी, तो सब कुछ शिष्यों को क्या लगा जो भी लेने आए थे कि प्रभुपाद जी स्टिक से जरूर उस आदमी को कुछ मारने वाले हैं। पर हुआ क्या, जैसे प्रभुपाद जी नीचे गिरे, प्रभुपाद जी ने अपना स्टिक उठाई, अपना जो ब्रीफकेस था उनके हाथ में वो उठाया और चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि किसने मुझे गिराया है, किसके किस, उनको चोट भी लगी होगी, 70 साल की उम्र है, उनको चोट भी लगी होगी, तो उन्होंने देखा भी नहीं कि पीछे से किसने मुझे गिराया और उठ के चल दिए। ये देखिए, तनाद भी सुनिश्चय तरह भी सहिष्णुता का प्रभुपाद जी जीवंत उदाहरण थे कि कैसे वे जीवन जिया करते थे। बहुत ही सहनशील थे, बहुत। आप एक समझिए कि हम एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, हमें कितने कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, और प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर खाली 10 साल में बना दिए, और वे भी भव्य मंदिर। क्या कितने भव्य मंदिर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए आप कितने सहनशील थे प्रभुपाद जी। ये हुआ शांति। तीसरा आता है वैराग्य।
क्या लक्षण है? तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब हुआ कि भौतिक आसक्ति से पूरा दूर रहना, भौतिक आकर्षण से दूर रहना और इसमें लिप्त ना होना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो पिता और चाचा थे हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार, वे सप्तग्राम के खजांची थे, वे कलेक्शन करते थे। तो उनकी मंथली इनकम थी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की, जो आज से 500 साल पहले 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उनकी इनकम थी, मंथली इनकम थी। पर रघुनाथ दास गोस्वामी ही भगवान चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित हो चुके थे और वे उनकी सेवा में लगना चाहते थे। तो कई बार वे उनके जो पिता थे गोवर्धन मजुमदार, उनके लिए उन्होंने 5 बॉडीगार्ड लगा रखे थे कि जो उनको पकड़ सके, 4 सेवक लगा रखे थे कि उनकी सेवा कर सके, पर वे उनको छोड़ छोड़ के कभी ना कभी तरीके से भाग जाते थे। तो उनकी माँ ने कहा कि ये बार बार भाग जाता है, इसको रस्सी से बांध दो ना। तो गोवर्धन मजुमदार कहते हैं कि इसका ऐश्वर्य इंद्र जैसा है और इसकी पत्नी अप्सरा जैसी है, वो इसको नहीं बांध सकी, तो ये तुम्हारा भौतिक, ये रस्सी कैसे बांध पाएगी इसको? ये तो चैतन्य का पागल है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो वे इतना मदमस्त थे चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर। तो वे फिर क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में वे जगन्नाथपुरी में रहने लगते हैं। अब देखिए, किसी का पिता अरबपति खरबपति मुकेश अंबानी का पुत्र जैसे कोई हो, और वो आके एक मठ में रहने लगे और भीख मांग के खा रहा है। उसके पिता ने उनके लिए 4,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई के ये आप रखो और चलो मेरे से दूर रहना कोई बात नहीं, पर अच्छे से तो रहो कम से कम। पिता तो दुख पाएगा ना कि भाई उसका बच्चा भीख मांग के खा रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, और जो अरबपति पिता है। तो उसने उनके लिए पैसे भिजवाए जगन्नाथपुरी में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन पैसों का क्या किया? उन पैसों से वो चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे। चैतन्य महाप्रभु के लिए भोग बनाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो वे उनका उस धन का उपयोग उनको बुलाने के लिए करते थे। पर कुछ साल बाद उन्होंने उसको भी बंद कर दिया, उसकी लीला आगे लंबी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य के पूर्ण मूर्ति थे। फिर आती है चौथी, आती है मान शून्यता। मान की कोई अभिलाषा नहीं। आज हमारी क्या अभिलाषा होती है कि मैं थोड़ा अच्छा प्रवचन कर लूं, थोड़ा गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं, आहा पूरा स्कॉन मेरा नाम का गुन गाए, अरे अजय गौरांग ने तो क्या लेक्चर दिया, क्या पैसे इकट्ठे करता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बस ये हमारी अंदर भरा पड़ा होता है कि मान मिले हमको, ये प्रतिष्ठा मिले। और इसका मान शून्यता, भक्त का भाव, भक्त का क्या लक्षण है, उसको कोई मान नहीं चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मान शून्यता का क्या नाम था मुनि का, मैं भूल गया नाम, एकदम से स्लिप हो गया मेरे दिमाग से। मदन मोहन गुरु जी आपको कुछ याद आ रहा? मैं भूल गया वो मान शून्यता का। माधवेंद्रपुरी पाद, इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे मान शून्यता के। जब माधवेंद्रपुरी पाद गोपीनाथ में आते हैं रेमुना में, तब भगवान गोपीनाथ के जब भोग लग रहा होता है खीर का, शीर कहते हैं उसको, शीर का भोग लग रहा होता है गोपीनाथ को, तो उनके मन में आता है कि मैं इसको भोग करके देखूं। इसका माधवेंद्रपुरी के मन में आता है कि मैं इसको थोड़ा चक्के देखूं ताकि मेरे गोपाल को मैं वृंदावन में इसका भोग लगा सकूं। माननीय मोदी बात के डीटी थे जो गोपाल जी, जो आज के श्रीनाथ जी हैं नाथद्वारा में, तो वे चाहते थे कि मैं उनको इसका भोग लगा सकूं। तो जब ये मन में आया तो वो क्या करते हैं, मंदिर छोड़ के, गोपीनाथ का मंदिर छोड़ के वे बाहर चले जाते हैं। तो गोपीनाथ जी जो हैं, वे जो पुजारी थे गोपीनाथ के, उनके सपने में आते हैं के कहते हैं, उनके सपने में आके कि मैंने एक पात्र खीर का रखा हुआ है मेरे भक्त के लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए, उसको जाके तुम पात्र दो। तो वो जो छोरे होते हैं पंडित, वे उठते हैं, अचंबा करते हैं कि इस सपने में आके मुझे क्या गोपीनाथ ने मुझे कुछ कहा है। तो वे गोपीनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने छुपा के एक भोग, एक प्याला रखा हुआ था शीर का अपने भक्त के लिए।
तो वे फिर बाजार में जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, तो माधवेंद्रपुरी फिर आगे आते हैं। तो फिर पूरी जो पंडित जी होते हैं वे पूरी बताते हैं उनको कि माधवेंद्रपुरी ये गोपीनाथ ने आपके लिए शीर भिजवाई है, पात्र भिजवाया है। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी को पात्र मिलता है वे रोने लगते हैं कि मेरे प्रभु, मैंने खाली एक इच्छा करी और आपने मेरे लिए पात्र भिजवा दिया। और जो पंडित होते हैं वे उनको माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करते हैं। वे क्यों प्रणाम करते हैं, उनको ये पता भी नहीं होता है कि माधवेंद्रपुरी किस जाति के हैं, पर जिसके बारे में भगवान आके बोल रहे हैं कि मेरे भक्त को जाके एक पात्र दे के आओ खीर का, वो कितना बड़ा भक्त होगा। तो वे जो शुद्ध पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वे माधवेंद्रपुरी के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। माधवेंद्रपुरी को जब भी पात्र मिलता है तो वे सोचते हैं कि अगर सुबह तक पूरे यहाँ पे रेमुना में पता पड़ जाएगा कि गोपीनाथ ने मेरे लिए शीर चुराई है, मुझे ये पात्र दिया है, तो बहुत मेरा मान करने लगेंगे लोग। तो वे वहां से चले जाते हैं, वहां उनको बिल्कुल मान नहीं चाहिए होता। वे चाहते हैं कि मेरे को अगर एक भक्त के लिए कोई मान होता तो उसके लिए वो पॉइजन के समान है, फिर पॉइजन लगता है उसको कि मेरा कोई मान कर रहा है। तो वे छोड़ के जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, पर वो अलग बात है, जगन्नाथपुरी में उनसे पहुंचने से पहले उनकी ख्याति पहुंच जाती है माधवेंद्रपुरी की, कितना बड़ा भक्त है भगवान का के गोपीनाथ ने उनके लिए शीर चुराई थी। फिर होता है पांचवा आशाबंध, पांचवा जो भावभक्त का लक्षण है आशाबंध। तो इसमें क्या होता है कि जो भक्त होता है, जो कुछ भी उसके साथ में घटित हो रहा है, वो हमेशा आशाबंध रहता है कि कृष्ण की इच्छा होगी, कृष्ण ने मेरे अच्छे के लिए कार्य किया, मेरे अच्छे के लिए सब कुछ हो रहा है। तत्ते अनुकंपा सूक्ष्म मानो भुंजान एव आत विपाकम हित वाक वपुर विद्धन नमस्ते जीवे त्यो मुक्ति पदे सदाय बाक। तत्ते अनुकंपा सूक्ष्मिक्ष मानो के ये भगवान ही अनुकंपा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरे कर्म है जिनका फल मुझे मिल रहा है, और अगर मैं इसको जो ये सहन कर पाता है वो मुक्ति का दाय भाग, एक उत्तराधिकारी बन जाता है मुक्ति पाने का। ये आशाबंध होता है पांचवा भावभक्त का लक्षण। तो पहला होता है मैंने अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा शांति, तीसरा वैराग्य, चौथा मान शून्यता, पांचवा आशाबंध, और छठा आता है समुत्कंठा। उत्कंठा होती है तीव्र इच्छा, इच्छा किसी को पाने की, समुत्कंठा उसको कहते हैं समुत्कंठा। जैसे बिल्लव मंगल ठाकुर जी का बहुत बड़ा एग्जांपल आता है इसके अंदर, जब वे भक्त नहीं थे तो उससे पहले वे एक वेश्या से मिलने जाया करते थे जिसका नाम था चिंतामणि। तो एक बार उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और तब भी उस समय बिल्लव मंगल ठाकुर को रात्रि में उस वेश्या का संग करने का मन होता है। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है, तेज बारिश हो रही होती है। तब वे एक नदी में जाते हैं और नदी में कोई बोट भी नहीं होती है पार करने के लिए, तो उनको ये कोई तैरता हुआ कुछ दिखता है तो उसको पकड़ लेते हैं, और वो तैरते हुए चीज क्या होती है, शव होता है। वो शव को पकड़ के उस नदी को पार करते हैं। उस नदी को पार करने के बाद में जब वे चिंतामणि के घर के पार पहुंचते हैं तो चिंतामणि गेट नहीं खोलती है, वो फर्स्ट फ्लोर पर रह रही होती है और गेट नहीं खोलती है। तो वे काफी देर बोलने के बाद में फिर क्या करते हैं, उनको एक रस्सी जैसी चीज दिखती है बाहर की तरफ, दीवार की तरफ। वो रस्सी क्या होती है, एक सांप होता है। तो वे इतने मग्न होते हैं उनसे मिलने के लिए कि वो रस्सी की तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता, और सांप को पकड़ के वो चिंतामणि के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, और फिर चिंतामणि का गेट खड़खड़ाते हैं और चिंतामणि गेट खोलती है। तब चिंतामणि उनको कहती है, क्या कहती है, कि जितनी तीव्रता से आप मुझसे पाना चाह रहे थे उतनी अगर तीव्रता आपने भगवान हरि के लिए दिखाई होती तो आपको हरि कभी के मिल गए होते। तो बिल्लमल ठाकुर का मन बदल जाता उसी समय कि ये तो इसने कितनी बड़ी बात कह दी। फिर भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, और जब उनका जो गीत लिखते हैं उसमें चिंतामणि को उन्होंने अपना प्रथम गुरु माना है, कि एक वेश्या को गुरु माना उन्होंने बिल्लव मंगल ठाकुर ने, कि मेरे को उन्होंने उनसे शिक्षा मिली है इसलिए वो मेरी गुरु है। और फिर सातवां पॉइंट आता है नाम के प्रति आसक्ति। जो भगवान का भाव भक्त होता है वो निरंतर भगवान का नाम जप करता है। जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, वे 300,000 माला का नाम जप किया करते थे रोज, और उनको कोई कष्ट नहीं होता था। जैसे हम लोग 16 माला करते हैं तो हम तो पूरा एफर्ट लगा के करते हैं, हमारी इच्छा ही नहीं होती है 16 माला करने की, क्या हमारी माला खत्म हो जाए, हमारा भाव रहता है कि कब ये गुरु ने मुझे दिया है ये खत्म करूं मैं और इससे फ्री हूं। नहीं, प्रेम, गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण को प्रेम से मगर पुकारो, कृष्ण प्रेम के बुके हैं, आपकी माला के बुके नहीं। आप नंबर चाहे 64 करो चाहे 300,000 करो, अगर एक नाम भी आपने प्रेम से ले लिया तो कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, पूरा प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए हमें, कोशिश करनी चाहिए कि कितना हमें सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण और राधा हमारे सामने प्रकट हैं और हमें हम इस नाम के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये नाम के प्रति आसक्ति भाव भक्त का लक्षण है नाम के प्रति। आठवां है गुणाख्यान करना, भगवान का गुणों को सुनना और उसका वर्णन करना, गुणाख्यान करना, दोनों करना, एक तो श्रवण और कीर्तन दोनों चीज करना। आपने जैसे जैसे कोई सुना कोई चीज तो आपने अपने पास ही उसको नहीं रखा, उसको दूसरी तरफ देना है। चैतन्य महाप्रभु ने कुरु ब्राह्मण को क्या कहा था, यहाँ रे देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है ये तार यही देश। कुरु ब्राह्मण जो थे वे चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाना चाहते थे, पर महाप्रभु ने उनको कहा कि आप कृष्ण उपदेश सबको कहो, और कृष्ण उपदेश क्या है, भगवत गीता, ये कृष्ण का ही उपदेश है। तो हमें ये जो गीता मैराथन का मंथ है इसमें कृष्ण का उपदेश हमें सबको देना है कि कृष्ण ले लो, गीता ले लो, भगवत गीता ले लो, कृष्ण के रूप में आप गीता के रूप में उनको कृष्ण खुद उनके घर में पहुंचा रहे हैं। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। अभी हमारा भगवत गीता कॉन्टेस्ट भी शुरू हो चुका है, उसके ब्रोशर्स भी आपको सबको मिल ही जाएंगे। तो हमें सब प्रत्येक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें रजिस्टर करा पाऊँ और लोग उसमें भाग पाए। हमने एक भौतिक जगत के हिसाब से इसको बनाया है, इसके अंदर हमने फर्स्ट प्राइज 21,000 रुपए का रखा है, ऐसा प्राइज दे रहे हैं। गीता पढ़े लोग, क्वेश्चन आंसर दें तो उनको प्राइज भी दे रहे हैं। तो इसलिए हमने ये किया है कि लोग गीता को लें और पढ़े भी, हमारा यही एंडेवर है। आप सब लोग, सभी से प्रार्थना है अपने पूरे प्रयास से लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा आप इसके साथ में। ये आठवां हो गया गुणाख्यान, और नौवां है भगवान की लीला स्थली के प्रति आसक्ति। लीला स्थली जैसे भगवान का गोलोक वृंदावन, जो वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, द्वारका धाम है, जो भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी उनके प्रति आसक्ति होती है, उनके वहाँ पे वो वहाँ जाना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है। तो ये भाव भक्त के नौ लक्षण हैं। तो मैंने इनका सार रूप में आपको बताया, सबसे पहला अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा शांति, तीसरा वैराग्य, चौथा मान शून्यता, पाँचवा आशाबंध, छठा समुत्कंठा, नाम के प्रति आसक्ति, भगवान का गुणाख्यान करना और भगवान के लीला स्थली के प्रति आसक्ति। ये हमारे नौ जो भक्त के लक्षण हैं जो बताया गया है भक्ति रामेश्वर सिंधु में। तो आज के हमारे श्लोक के ऊपर यही चर्चा के विषय था कि भगवान ने भौतिक जगत प्रकट कर दिया, 23 तत्व प्रकट कर दिए हैं, पर इनको भगवान जब खुद क्रियान्वित नहीं करते तब तक ये क्रियाशील नहीं हो सकते। जब महाविष्णु भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब भौतिक प्रकृति चलायमान होती है, उससे पहले भौतिक प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है, वो सुप्त अवस्था में रहती है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये अध्यात्म आदि में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सर्जित अंग तथा तत्व, इंद्रिय मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर रूपी धारण नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद शरीर धारण होता है और हमें वो शरीर प्रदान किया जाता है। मेरे आज की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। हम थोड़ा देर चर्चा कर सकते हैं, 5-10 मिनट है हमारे पास, और किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप रेजन कर सकते हैं, या कोई टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं। आज प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए मुझे ही खुद ही होस्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप कुछ कोई भी कुछ प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी कोई करना चाहे। मैं क्षमा चाहूँगा अगर मुझे कोई गलती की हो, मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं है बोलने का, क्षमा चाहूंगा मैं आपसे अगर कुछ मैंने गलती की हो तो। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी है किसी की, कुछ समझ में आया सब भाव भक्त के लक्षण? क्या मैं एंड कर दूं इसको, है प्रश्न है एंड कर दूं? ठीक है, हम हरे कृष्णा करके एक बार एंड करेंगे इसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो।